पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा मुरादाबाद कार्यालय पर जिला और महानगर की संयुक्त बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर और जिला इकाई के तत्वावधान में बुद्धि विहार स्थित पार्टी कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कहा कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर पूर्ण बहुमत के साथ हमें कमल खिलाना है और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को मंडल प्रवासी के रूप में भेजा जाएगा। इन्हें मंडल पर पार्टी द्वारा निर्धारित 6 कार्य करने होंगे। प्रत्येक मंडल प्रवासी को मंडल में 3 बैठक करनी है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। और इस निमित्त जो बैठके हैं, ये पत्रकार लोगों को मिला, ट्विटर मिला और करने यूट्यूब का पत्रकार मिला, तो इस मंडल स्तर पर जब आप बैठक करेंगे तो शक्ति केंद्रों का मैपिंग, यानी कि कोई हमारा उस मंडल के किसी शक्ति केंद्र में कोई नया बूथ अगर गठित हुआ है, नया बूथ हुआ है जो लास्ट चुनाव हुआ उसके अनुसार कोई नया बूथ बना हो वो हमारे उसमें है कि नहीं है पर्यटन देश में, या हमें मतदान केंद्र कोई बदलाव हो तो उस सब की जानकारी भी इस प्रक्रिया में देनी, घटा बढ़ा उसको अपडेट करना। सभी मंडल के अंदर जो अपने पदाधिकारी हैं मंडल के लिए उनको वेरीफाई करना कि ये सारे मंडल के पदाधिकारी हैं, सब वर्किंग में हैं, सक्रिय हैं, उसी कार्य क्षेत्र में रहते हैं, माना किसी कोई काम के सिलसिले में किसी दूसरे प्रदेश में चला गया तो वो खाली हो जाएगा, तो उसके बारे में फिर एक नाम निकालना, वेरीफाई करना और उस नाम को जो भी चेंज है उसमें प्रस्तावित करना, बदलना नहीं है प्रस्तावित करना। इसी प्रकार से मंडल के अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, हमारे हरिओम जी क्षेत्र के महामंत्री आ रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।